हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िफ़ी ओ टैबलेट के बारे में। कंपोजिशन की बात करेंगे और यूजेस की, साइड इफेक्ट की, डोज़ की और एमआरपी की बात करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, ज़िफ़ी ओ के नाम से एफटीसी कंपनी का एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इस ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट आती है जिसकी कीमत है मार्केट में 167 रुपये। फ्रेंड्स, ज़िफ़ी और ओफ्लोक्स दो साल्ट में यह है और ज़िफ़ी ओ एक एथिकल मेडिसिन है, ओरिजिनल मेडिसिन है। ये डॉक्टर की पर्ची से आपको नज़दीकी मेडिकल कैबिनेट से आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे रोगों में काम करता है। ज़िफ़ी टैबलेट के रूप में और सिरप के रूप में मार्केट में मिल जाता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसको किन किन रोगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़िफ़ी टैबलेट को स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन को कवर करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे को बुखार हो जाता है तो डॉक्टर ज़िफ़ी ओ सिरप या ज़िफ़ी सिरप देते हैं, और अगर बड़ों को इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन में ज़िफ़ी ओ टैबलेट को दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये टैबलेट जो है बहुत सारे रोगों में काम करती है। अगर किसी पेशेंट्स को छाती में बलगम जम गया है, खांसी हो गई है, या टॉन्सिल बढ़ गए हैं गले में खराश हो गई, या बॉडी पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, TLC बढ़ गया या ESR बढ़ गया, CRP बढ़ गया, या यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, या टाइफाइड बुखार हो गया, या इसके साथ साथ दोस्तों बॉडी में किसी तरह का चोट लग गया है, वहाँ पर घाव हो गया है, या फिर ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर दवाई देते हैं जख्म सुखाने की, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपके बॉडी में जैसे स्किन का इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टैबलेट की डोज़ रहती है सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ आप इसको ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको बुखार रहता है तो इसके साथ पैरासीटामोल टैबलेट भी दिया जाता है। और दोस्तों, इसको खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद लें। और दोस्तों, अगर इसको लेने से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखता है, जैसे बॉडी इरेक्शन होता है, लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, या बॉडी पे एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और नज़दीकी डॉक्टर से जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो और दोस्तों, जब आप इसको परचेज़ करें तो एक्सपायरी डेट का विशेष ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, ये था इसका रिव्यू। बाकी कुछ सुझाव रहता है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद।